नमस्ते दोस्तों, आपका मेरे किचन में स्वागत है। तो आज हम बनाने वाले हैं कैरी की खट्टी मीठी चटकदार चटनी। आम का सीजन तो चालू है, तो आपको बाजार में आसानी से कैरियाँ मिल जाएगी। इसके लिए हमें चाहिए, मैंने दो कैरियाँ ली हैं। मैंने उसका छिलका और गुटलियाँ निकाल कर इसको छोटे छोटे टुकड़ों में काट लिया है। दो हरी मिर्च, 6 से 7 लहसुन की कलियाँ, मैंने थोड़ा सा ड्राई कोकोनट भी लिया है, और धनिया, थोड़ा सा जीरा और जैगरी, मैंने थोड़ा सा गुड़ लिया है मीठा बनाने के लिए। तो ये कैरी की चटनी बनाना बहुत ही आसान होता है और ये बहुत स्वाद में स्वादिष्ट होती है। तो चलिए हम शुरू करते हैं। तो हम मिक्सर के जार में पहले कैरी डाल देते हैं। दो हरी मिर्चें, लहसुन, ड्राई कोकोनट, जीरा, थोड़ा सा गुड़ डालेंगे हम, आधा टेबलस्पून, और धनिया। तो मैं इसको मिक्सी में पीस लेती हूँ। तो हमारी ये चटकदार चटनी तैयार हो चुकी है और ये स्वाद में, जैसे मैंने पहले ही कहा, बहुत स्वादिष्ट लगती है। तो अब हम इसको तड़का लगा देते हैं। इसके लिए हमें चाहिए, मैंने मोहरी ली है और थोड़ा हींग लिया है, वो हम इसमें डाल देंगे, थोड़े कड़ी पत्ते के पत्ते और एक साबुत लाल मिर्च। हम अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। तो ये हम हमारे चटनी पे डाल देंगे। तो हमारी ये कैरी की चटनी अच्छी तरह से बन चुकी है। मैंने इसको तड़का भी लगा दिया है। आप ये चाहे तो रोटी के साथ खा सकते हैं, भाकरी के साथ खा सकते हैं, जैसे कि ज्वार या बाजरे की रोटी, ब्रेड को लगा के सैंडविच बना के खा सकते हैं, ढोकले के साथ भी खा सकते हैं। तो मैं उम्मीद करती हूँ आप ये ज़रूर ट्राई करेंगे। तो हम इसको मिक्स करते हैं ताकि जो तड़का है वो अच्छी तरह से इसमें मिक्स हो जाए। तो हमारी चटनी अब पूरी तरह से बन गई है। मैंने इसको तड़का भी लगा दिया है। ये आसानी से 3 से 4 दिन आप अगर फ्रिज में रखेंगे तो ये टिक जाएगी। तो अगर आपको मेरी ये रेसिपी अच्छी लगी तो मेरे चैनल को लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ और फैमिली मेम्बर्स के साथ शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू वेरी मच।